आगाज होता हुआ। संदीप तोमर मैट पे आते हुए जेएसडब्ल्यू बेंगलुरु योद्धास की तरफ से, लेकिन टफ कंपटीशन देंगे सर्जी रतुष्णी यूक्रेन के 29 वर्षीय अनुभवी रेसलर हैं ये। याद रखिए यूरोपियन चैंपियनशिप्स के अंदर मेडलिस्ट रह चुके हैं। जी हाँ रमन, और मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो शुरुआत करते हैं संदीप तोमर, दो तीन मिनट के जो शुरुआती दो तीन मिनट होते हैं उसमें बहुत ही आक्रामक लड़ते हैं, और थंडर भारतीय कुश्ती के थंडर बॉय कहा जाता है, थंडर टेक्निक लगाते हैं। दो तीन मिनट में देखते हैं बगली दाव लगाते हैं, बगल से निकलते हैं अथवा नहीं। देखिए 57 किलो वर्ग का ये मुकाबला है, तो काफी तेज तरार मूव्स देखने को मिल सकती हैं इस मैच में। और आप कह रहे थे संदीप, क्या थंडर लाइटनिंग मूव्स, तेज तरार गति है, फुर्ती है इनके पास, लेकिन हल्के से नहीं आ सकते सर जी। जी हाँ बिल्कुल, और मैं तो ये कहूंगा कि जो थंडर बॉय जो उनको नाम दिया गया है, एक थंडर टेक्निक होती है जिसमें निकाल या बगल डूब जैसे दाव होते हैं उनका समावेश होता है, और बिल्कुल येलो जोन के करीब पहुंच गया था मुकाबला, बीचों बीच लड़ने का निर्देश दिया गया रेफरी द्वारा। ज्यादा समय नहीं देना चाहते हैं सरजे को सेटल होने के लिए संदीप। देखिए शुरुआती समय में अपना पलड़ा भारी करते हुए अपनी धाक जमाने की कोशिश में, मैं तो कहूंगा बाल बाल बचे थे इस बार, येलो जोन से बाहर पांव उनका निकल जाता, लेकिन पहला अंक बटोरने की जद्दोजहद, और इसके साथ ही पहला अंक उन्होंने बटोरा है बहुत ही बखूबी तरीके से। और उनको ये कहिए कि जो नियमानुसार दोनों घुटने अगर आपके मैट पर लग जाते हैं और आपकी कोहनी मैट पर लगती है या आपका सिर मैट पर लगता है, उस स्थिति में एक अंक दिया जाता है, दो अंक दिए जाते हैं। पुराने नियम के तहत एक अंक था और अब उसको बदलकर दो अंक कर दिया गया है। याद रखिए शुरुआत में ही धक जमाते हुए यहां पे संदीप तोमर। लेकिन रमन मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि संदीप तोमर के लिए जो सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक मूव है वो यही है कि वो अपनी ऊर्जा को आखिर तक बचाकर रखें, क्योंकि अब तक जितने मुकाबले हुए हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जहां भी उन्हें मौका मिला वो शुरुआती दौर में पहले तीन मिनट में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। ऊर्जा की अफवाह से उन्हें बचना होगा, गहरी पट लगाने की कोशिश की थी, इस बार खेमे की पोजीशन बनी लेकिन स्टैंडिंग पोजीशन, उसके बाद खतरनाक हो सकता है। और बखूबी दो अंक का इशारा रेफरी का, इस तरह से अपनी बढ़त को बढ़ाते हुए लगातार बुलंद इरादों के साथ 4-0 की बढ़त करने में कामयाब हुए संदीप तोमर। और अभी भी पैतरे को छोड़ा नहीं है, अब छोड़ना पड़ेगा, लगातार लगे हुए थे कि किसी तरह से फ्लिप कर सके अपने ओपोनेंट को। हालांकि एक बार ईरानी लगाने की उन्होंने कोशिश की थी, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, और ऐन वक्त पर इरादा बदल दिया। शुरुआती 2.25 मिनट में इस राउंड के अपनी धाक जमा रहे हैं संदीप, ज्यादा फुर्ती दिखा रहे हैं, ज्यादा स्ट्रेटेजिक बाउट खेलते हुए, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे सरजी जो है अपनी ऊर्जा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा ज्यादा पिछड़ गए तो मुश्किल हो जाएगी। मुझे लगता है कि संदीप तोमर की जो रणनीतिक भूलें उन्होंने की हैं पिछले मुकाबलों में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, उसका बहुत ही बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया है, लेकिन यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए जैसे कि रमन आपने बताया कि यहाँ बढ़त को ज्यादा नहीं बढ़ाना है, और यहाँ एक गहरी पट किया, खूबसूरती के साथ संतुलन बिगाड़ा, और यहाँ मुकाबले का पहला अंक बटोरने में कामयाब रहे, अंतर को उन्होंने कम किया। जी हाँ दो अंक बटोरे हैं यहाँ पे सरजी ने सेफ्टी एरिया में जाते हुए, उनको बचाने की कोशिश थी यहाँ पर संदीप द्वारा, लेकिन पहले अंक दर्ज कर लिए हैं सरजी रतुष्णी ने, लेकिन अभी भी पिछड़ रहे हैं दो अंकों से, केवल 5 सेकंड बचे हैं इस पहले राउंड के अंदर। तो पहला राउंड समाप्त, 4-2 से आगे संदीप तोमर, और दूसरा राउंड शुरू इस मुकाबले का। याद रखिए पहले राउंड के अंदर 4-2 की बढ़त ली थी संदीप तोमर ने, भारत के संदीप तोमर बनाम सर्जी रतुष्णी यूक्रेन के। ऐसा लगा कि ज्यादा तेज थे, ज्यादा फुर्ती दिखा रहे थे, और एक बार फिर दूसरे राउंड की भी काफी तेज तरह शुरुआत करते हुए संदीप, ये पैंतरा लगातार अपनाया इन्होंने। कमेंट्री बॉक्स में रमन, मेरे साथ मनोज, कुछ ना कुछ तो अलग करना होगा सरजी को। जी हाँ बिल्कुल, संदीप ने जिसे कहते हैं एक तरह से एक्शन रिप्ले लग रहा है पहले राउंड का, क्योंकि शुरुआत बिल्कुल इसी तरह से धमाकेदार तरीके से उन्होंने की थी, लेकिन इस बार बिना किसी लाभ के। तो
यहाँ पर समय लगातार बीते जा रहा है और थोड़े से डिफेंसिव होते हुए संदीप ऐसा लग रहा है, मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में अब जुड़ते हुए जगदीश काली रोमन। जगदीश, ऐसा लग रहा है कि ये मुकाबला जेएसडब्ल्यू बेंगलुरु योद्धास की तरफ जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर संदीप ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है कुश्ती के ऊपर और बहुत अच्छे, ये देखिए बहुत यहाँ पर गट्टा निकाला, खेमे की पोजिशन थी और कंट्रोल करने की कोशिश, अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ, जैसे ही कंट्रोल करेंगे वहाँ पॉइंट्स मिलेंगे। हालांकि अच्छा डिफेंस किया यूक्रेन के पहलवान सर्गेय रुस्ते ने। ज्यादा टेक्निकली या साउंड लग रहे हैं संदीप, जिस तरह से अभी तक किस मुकाबले को खेला है बहुत ही सटीक दाव लगाए हैं, ज्यादा मौका नहीं दिया उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हावी होने का। केवल एक बार जब दाव लगाया तो पकड़ पूरी मजबूत नहीं थी, इसलिए पीछे निकल गए थे सर्जेय रटुशनी, वो दो अंक अर्जित किए थे। लेकिन इस समय आप घड़ी पर नजर रखिए क्योंकि अब केवल सवा मिनट से भी कम रह गया है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि आखिरी क्षणों तक अपनी ऊर्जा को वो बचाए रखें और ये बढ़त को भी बनाए रखें और उस पर पैसिविटी से भी उन्हें बचना होगा कि कोई ये ना लगे कि वो डिफेंसिव टेक्निक अख्तियार कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कुश्ती में और क्योंकि ये एक ऐसा आत्मघाती तरीका है जो उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हुआ है पिछली कई प्रतियोगिताओं में। एक मिनट से भी कम बचा हुआ और जगदीश देखिए संदीप कितना लो रह रहे हैं, मौका नहीं दे रहे कि वो कट्टे पकड़ने दें सरजी को, बिल्कुल सटीक ढंग से इस समय बाउट लड़ते हुए। बिल्कुल रमन, यहाँ पर संदीप जो है बहुत अच्छी टेक्निक और टैक्टिक्स का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए जो रेसलिंग पोजीशन है उनकी, हाथों और कमर की जो पोजीशन है, पैरों की पोजीशन है, बहुत अच्छा मूवमेंट उनका, अच्छा डिफेंस कर रहे हैं और ये अच्छे अटैक की कोशिश थी, हालांकि सफलता नहीं मिली। सर्गेय ने कोशिश करी थी, कश्मकश में कुश्ती, धीरे धीरे समय बीतता हुआ और ये बाहर धकेलने की कोशिश, हालांकि घूम कर अंदर आ गए, अपने आप को सेव किया यूपी के रेसलर सर्गेय ने। और ये देखिए दोबारा से कोशिश थी, हालांकि स्कोर नहीं कर पाए। देखिए समय निकलता जा रहा है, 5 सेकंड से भी कम और जानते हैं ये सर जी, इसी बीच फाइनल विसल आती हुई तो 4-2 से विजयी रहे हैं यहां पर संदीप तोमर, जेएसडब्ल्यू बेंगलुरु योद्धास इस मुकाबले के अंदर जीत दर्ज करते हुए यूपी वॉरियर्स के खिलाफ और एक जबरदस्त शुरुआत होती हुई। तो यह है आखिरी रिजल्ट, संदीप तोमर जीत दिलाते हुए बेंगलुरु योद्धास के लिए पहला अंक, याद रखिए 7 बाउट है, पहला बाउट बेंगलुरु योद्धास ने जीत लिया है।